नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी गणित की इस सीरीज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सबसे पहले प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत के बारे में हमने नॉर्मल जानकारी ली थी, प्रतिशत के कुछ याद करने योग्य तथ्य हमने देखे थे, कुछ नोट हमने लिखे थे, हम उनको याद किए थे हमने। इसके बाद में कुछ एक चीज़ें ऐसे जैसे 1/2 का मान कितना होता है, 50%, ये चीज़ें हमें जो डायरेक्टली परसेंटेज में काम आती है वो हमने याद की है, वो लिखी भी है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कई क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं। अब हम क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ साथ हम सीखते चलेंगे नए नए तरीकों को कि गणित में प्रतिशत के प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, प्रश्न को किस तरह से पूछने का जो तरीका होता है उसका जो सॉल्यूशन का तरीका होता है वो कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मैंने अभी बोर्ड पर कुछ एक क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी 4 क्वेश्चन हैं, इनको करने के बाद हम अगले और क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले इन 4 क्वेश्चंस जो प्रतिशत के हैं हम इनको देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल लेवल के हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, और इनको हमें करना सीखना है कैसे ये प्रतिशत के प्रश्न सॉल्व होते हैं, किस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है और किस प्रकार से हमें इनकी समस्याओं का समाधान करना है। सबसे पहले पहला प्रश्न हम देखते हैं, प्रथम क्वेश्चन, x प्रतिशत बराबर 400 है तो x का मान बताइए। अब सबसे पहले हमने ये पहला प्रश्न पढ़ा कि x का जो x प्रतिशत है वो 400 है, मतलब हमें x का x प्रतिशत का मान दिया हुआ है 400, लेकिन x कितना है हमें ये बताना है, x का मान कितना है गणित की गणनाओं के रूप में। कि x का, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि का मतलब क्या होता है, गुणा हमने पढ़ा था, तो का मतलब गुणा हमने किया, और x प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है, बराबर में 400 है। अब x का मान निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए x गुणा x क्या होता है, पहले ये दिमाग लगाइए आप, x गुणा x कितना होता है। अगर मैं ये कहूँ 2 गुणा 2 कितना होता है तो आप कहेंगे 4। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 या 2 का स्क्वायर, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणा 2 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब इसकी नॉर्मल बात है कि 2 को कितनी बार गुणा किया जाता है, अगर 2 को 3 बार गुणा किया जाता है तो 2 की घात 3 लिखते हैं, इसलिए 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणा 2। तो अगर मैं कहूँ कि x के स्क्वायर का मान क्या होगा, तो x के स्क्वायर का मान x गुणा x होगा, और x के क्यूब का मान क्या होगा, x के क्यूब का मान x गुणा x होता है, ठीक है। वैसे ही 2 के स्क्वायर का मान क्या होगा, 2 गुणा 2, और वैसे ही x के स्क्वायर का मान क्या होगा, x गुणा x। ये चीज़ें हमने नॉर्मली जानी है अभी, तो अब मुझे ये बताइए कि x गुणा x क्या होगा, x गुणा x तो x स्क्वायर होता है। अब अगर ये 100 इधर बटे में है तो 100 का भी तो कुछ ना कुछ स्क्वायर हुआ होगा, कि कोई ऐसी दो संख्याएं हम देखें, अगर 100 का वर्गमूल आप निकालोगे, 2 ऐसी संख्याएं हमें देखनी है जो उसको स्वयं से 2 बार गुणा करने पर 100 आया है, ठीक है। तो 2 बार कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुणा करे एक दूसरे से उसको 100 बोलते हैं। तो देखिए, अगर मैं 10 को 10 से गुणा करूं तो 100 आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए, और अगर 100 आएगा तो इसका मतलब 10 गुणा 10 दो बार गुणा हुआ तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे इधर, ठीक है। वैसे ही x गुणा x x स्क्वायर होता है, तो 10 गुणा 10 क्या होगा, 10 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 100 को 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, तो अगर मैंने x के स्क्वायर को 10 गुणा 10, 100 के स्क्वायर को 10 गुणा 10 लिखा, तो अब 10 गुणा 10 मेरे को ये बताइए 2 बार गुणा हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बराबर 400 में है ही, ठीक है। अब अगर मैं इसको होल में ले लेता हूँ, मतलब ब्रैकेट में ले लेता हूँ, कैसे ले लेता हूँ, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि x का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर है, दोनों तरफ सेम स्क्वायर है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, किस तरह, देखिए कि x बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर 400, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अगर सेम घात होती है तो हम होल ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर कंप्लीट, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि x का भी स्क्वायर है 10 का भी स्क्वायर है, क्योंकि दोनों के ब्रैकेट आ रहा है। तो अब स्क्वायर को इस तरफ, देखिए मैंने कहा था कि बराबर के चिन्ह के इस तरफ अगर कोई संख्या प्लस में है वो इस तरफ आकर माइनस में हो जाती है,
समीकरण में, अगर कोई संख्या इस तरफ माइनस की है वो इस तरफ अगर प्लस की हो जाती है कि नहीं हो जाती समीकरण वाले प्रश्नों में, गुणा वाली संख्या भाग में हो जाती है, भाग वाली संख्या गुणा में हो जाती है, वैसे ही अगर स्क्वायर वाली संख्या है वो स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। तो स्क्वायर वाली संख्या जो है इधर आके स्क्वायर रूट में हो जाएगी, और अगर स्क्वायर रूट वाली संख्या है वो इधर आके स्क्वायर में हो जाएगी, तो वैसे ही यहाँ स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट में हो जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा जो चिंता, तो 400 का स्क्वायर रूट हमारे हो गया, ठीक है। अब 400 का वर्गमूल क्या होता है, कि मैंने कहा था कि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, वैसे ही 400 का वर्गमूल कितना होता है, मतलब वो संख्या बताइए जिसको स्वयं से दो बार गुणा करने पर, स्वयं से दो बार गुणा करने पर वो संख्या 400 आई है, तो वो संख्या कौन सी होगी, हमें वर्गमूल निकाल के देखना है। देखिए वर्गमूल निकाल लोगे तो 20 गुणा 20 400 आता है कि नहीं आता, वर्गमूल निकालना भी हम सीखेंगे इसमें, ये मत देखिए कि हम वर्गमूल नहीं सीखेंगे, वर्गमूल हम नंबर सिस्टम में सीखेंगे, फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि 20 गुणा 20 400 होता है, मतलब 400 का जो वर्गमूल हुआ वो 20 हुआ, तो x बटे 10 बराबर 20 होगा कि नहीं होगा। अब मैं कहूँ कि x का मान बताइए, तो x का मान 10 बटे में है, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, तो 20 गुणा 10 x बराबर 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। तो x का मान 200 आ गया, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पीछे करके एक बार और देख लें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, लेकिन हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालना नई चीज़ इसमें सीखी है, वैसे नंबर सिस्टम में हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट, घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल, ये चीज़ें हम विस्तार से देखेंगे, फिलहाल हमने छोटी सी इसकी जानकारी ली है। और अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, किसी संख्या का 2/5 भाग 120 है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा। कोई संख्या है अगर हमारे पास जिसका 2/5 भाग, अब मान लीजिए वो संख्या a है, हमने वो संख्या क्या मानी a है, और उसका 2/5, अब का मतलब क्या होता है, संख्या संख्या के बीच में का आ जाए तो उसका मतलब होता है गुणा, तो 2/5 भाग, अब 2/5 भाग का मान क्या है 120 है, यही बोल रहा है ना, किसी संख्या का 2/5 भाग अगर 120 है तो उस संख्या का 30% क्या है ये बताना है हमें। तो उस संख्या का 30% बताने के लिए सबसे पहले संख्या का पता लगाना ज़रूरी है, अगर आप चाहो तो बराबर में 2 से काटोगे 60 बार कटेगा, ठीक है। तो अब ये जो बटे वाली संख्या थी 5, वो इधर आकर किस में हो जाएगी गुणा में, 60 गुणा 5 हो जाएगी ना, अब a का मान क्या हो जाएगा, 5 को इससे गुणा करोगे 60 से तो 300 हो जाएगा, 6×5=30, 0 था ही पहले। अब पूछा क्या है कि उस संख्या का 30%, संख्या कौन सी थी a, और a का मान क्या आया था 300, मतलब 300 का 30% हमें प्रश्न में पूछा है, तो अगर आप 300 का 30% निकालने जाओगे तो 300 का मतलब गुणा और प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, और 20 से 20 गया, 3 से अगर 3 काटोगे तो इसका आंसर निब्बा आएगा, ये निब्बा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, हमने पहले संख्या का 2/5 भाग 120 है तो उसको समीकरण में हमने रखा, और समीकरण में रखते ही एक का मान हमारे निकल के आया, फिर हमें 30% पूछा है, तो 300 का 30% निकालने के लिए हमने 300 से 30% को गुणा किया, हमारा 90 आंसर आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 45 किस संख्या का 15% है, तो 45 मान लीजिए कोई संख्या है a, ठीक है, किस संख्या का, देखिए प्रश्न समझिए, 45 जो है वो किस संख्या का 15% है, मतलब कोई एक ऐसी संख्या है जिसका अगर आप 15% निकालोगे तो 45 आंसर आएगा, लेकिन उस संख्या का मान क्या है हमें ये बताना है। तो 45 किस संख्या का 15% है, मतलब कोई संख्या है a, अगर हम उसका 15% निकालेंगे, 45 का हम अगर 15% निकालेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 45
मतलब उस संख्या का 15% निकालेंगे तो बराबर में 45 आएगा, और 1 गुणा प्रतिशत को हटाओगे बटे में 100 लगाओगे बराबर 45 है कि नहीं है। अगर ऊपर से ऊपर आप काट सकते हो बराबर में, तो 15 से 3 बार काटोगे 15 × 3 = 45, ए बराबर 3 × 100, तो ए बराबर 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है कि वो संख्या कितनी थी, वो संख्या 300 थी, जिसका अगर आप 15% निकालने जाओगे तो उसका मान 45 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें कि एक संख्या का 60% का 3/5 भाग बेहतर है तो संख्या क्या होगी। देखिए, कोई संख्या है मान लीजिए उसका 60% है, मान लिया वे संख्या ए है। ठीक है, ए का 60%, अब इस ए के 60% का भी 3/5 भाग, इसका भी 3/5 भाग, इसका भी 3/5 भाग क्या होगा, बेहतर। अब हमें संख्या पूछी है, संख्या पूछी है तो पहले इसको सोल्व करो, का मतलब क्या होता है गुणा, 60/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्रतिशत हटाओगे तो का मतलब गुणा 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर में 72 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। अब 6 से डायरेक्टली इधर काटोगे तो 6 × 1 = 6। ठीक है, 6 × 2 = 12, 12 × 6 = 72, 12 का भी अगर पहाड़ा आपको आता है तो। ठीक है, अब ये ऊपर से ऊपर फिर 3 कट रहा है ना, 3 4 बार कट रहा है 3 से। अब a बराबर बटे वाली संख्या इधर आके गुणा में हो जाएगी 4 × 10 × 5, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो a का मान क्या हो गया, इनको गुणा करोगे 4 × 5 = 20 और 20 × 10 = 200, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन उतार लो। देखिए, ये हमारे नए प्रश्न हैं, वो क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे कि x का 5% बराबर y का 8% हो तो x अनुपात y बताओ। ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 3 प्रश्न और हम हल करेंगे। इसमें देखिए, x का 5% बराबर y का 8% हो तो x अनुपात y क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो करिए फटाफट। अगर किसी को प्रश्न आ रहे हैं एडवांस में तो मैं ये प्रश्न अगर आपको समझाऊँ उससे पहले आप ये हल कर लीजिए, और आंसर आता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। x का 5% बराबर y का 8% हो तो x अनुपात y बताइए। x का, अब इसको समीकरण में लो पहले, तो क्योंकि दिया ही समीकरण में अपने को प्रश्न में, तो x का मतलब गुणा 5% का मतलब 5/100, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो y का मतलब गुणा 8% मतलब 8/100, ठीक है, बटे में 100 से 100 कट गया, 5x बराबर 8y हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब ये गुणा में है, 5x के गुणा में है, 8y के गुणा में है, तो ये इधर उधर जाकर बटे में हो जाएंगे। जैसे x के नीचे अगर y को मैं लाना चाहूँ तो y इधर गुणा में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। वैसे ही 8 के नीचे अगर मैं 5 को लाना चाहूँ तो 5 क्या हो जाएगा, इधर आकर गुणा में है तो इधर आकर बटे में हो जाएगा, तो 8/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ समझिए कि जो बटे में संख्याएं होती है, जैसे 5/7, इसका मतलब होता है कि 7 से तुलना की जा रही है 5 की, मतलब 5 की जो तुलना 7 से की जा रही है, इसका मतलब होता है कि 5/7। वैसे ही अगर आप 5:7 लिखते हो, इसका मतलब भी यही होता है कि 7:5, मतलब 7 की तुलना में 5, मतलब ये है कि 5 की तुलना 7 से की जा रही है। इसका मतलब होता है कि बटे और अनुपात दोनों बराबर बात होती है, दोनों सेम बात होती है। तो यहाँ पर बटे हैं तो मैं इसको एक्स अनुपात वाई लिख सकता हूँ ना, तो इसको भी 8:5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ठीक है, यही हमें पूछा था प्रश्न पे, और यही हमारा आंसर आ गया है कि एक्स अनुपात वाई का मान हो गया 8:5। ठीक है, ये अगर प्रश्न आपको समझ में आया हो तो उतार लीजिए इसको। एक के वेतन का 30%, चलिए ये बाद में देखेंगे, पहले ये प्रश्न देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। 600 का 10% भाग 400 का 10%। अब 600 का 10% देखो कि अगर आप 600 का 10% देखोगे तो पहले इसको सोल्व करो, क्योंकि ब्रैकेट वाली संख्या को पहले सोल्व किया जाता है। तो 600
का मतलब गुणा और 10% का मतलब होता है कि 10/100। ये चीज़ समझ में आई ना कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, ब्रैकेट का वैसा रह गया। 400 का मतलब गुणा और 10% का मतलब 10/100। इसका सॉल्यूशन करना है, कितना मान आता है ये हमें बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 और 10 गुणा होंगे 60 भाग 4 और 10 गुणा होंगे 40। मुझे ये बताइए कि भाग को मैं बटे में लिख सकता हूँ ना, 60/40। इसका मतलब ही होता है कि 40 का 60 में भाग दो, और इसका मतलब होता है कि दाई वाली संख्या का बाई वाली संख्या में भाग देना होता है। ठीक है, ये भाजक है 40, भाजक मतलब जिसका हमें भाग देना है, और 60 भाज्य है, भाज्य मतलब जिसमें हमें भाग देना है। कि अगर मैं ये कहूँ कि 3 का भाग 6 में देना है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 6/3, मतलब 6 में 3 का भाग देना है, जो जिसका देना है इसको हम भाजक बोलते हैं, और इसको हम भाज्य बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो 6/3 हो गया, वैसे ही ये क्या हो गया कि 40 का भाग 60 में देना है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से इसको 2 बार काटा और इसको 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, या 3/2 भी आप लिख सकते हो। चलिए, ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं दो तरीके से तो करवाऊंगा ही। दो तरीके का मतलब है कि इस क्वेश्चन में दो तरीके छिपे हुए हैं, और एक तरीका ऐसा है, खैर उसके बिना हम प्रश्न को सोल्व भी नहीं कर सकते, लेकिन वो तरीका ऐसा है कि गणित के 80% प्रश्नों को उस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम वो तरीका सीखते हैं तो गणित के जितने भी प्रश्न हैं उनमें से 80%, मैं कहूँगा 70 से 80% के बीच में जितने भी प्रश्न हैं गणित में, उस तरीके से सोल्व होने की पूरी संभावना रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो तरीका हम सीख जाते हैं, अगर हमें वो तरीका आ जाता है, तो अब आप ये देखिए कि हम कितने प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, गणित को, अंक गणित के आधार स्तंभ उसको हम बना सकते हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि ये तरीका हमने पहले भी पढ़ा है, कक्षा 5 में हमने ये तरीका पढ़ा है, कक्षा 5 से हम इस तरीके के प्रश्नों को सोल्व करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो तरीका कब क्या काम आने वाला है। तो आज हम इसमें देखेंगे वो तरीका किस तरीके से काम आएगा, कि ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। तो बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन क्या होगा। देखिए, एक तो ए का वेतन है 30%, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। मतलब पहले इसको आपको समीकरण में रखना है, एक का वेतन या ए के वेतन का 30%। तो मान लीजिए ए का वेतन ए है, ठीक है, उसका 30% का को हटाएंगे, 30/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बी के वेतन का बराबर है किसके, बी के वेतन के, बी का वेतन ये लिख देंगे बी, ठीक है, के मतलब इसको हटाएंगे का के की को, तो गुणा में लगाएंगे 3/5, ठीक है, इसका भी 20%, 3/5 भाग का भी 20% इसके बराबर है। तो 3/5 भाग का 20% का को हटाएंगे, 20% 20/100 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बराबर में 100 है नीचे, इधर भी 100 है, 100 से 100 हमने काट दिया, 0 है बराबर में ऊपर, इधर भी 0 है तो 0 से 0 हमने काट दिया, 3 है ऊपर, इधर भी 3 है, 3 से 3 हमने काट दिया। अब इसके गुणा भाग में कुछ भी नहीं बचा है, ओनली ए ही बचा है, लेकिन इसके जो गुणा में है वो तो 2 है और बटे में 5 है। ये 5 जो है, अगर मैं कहूँ कि बी को गुणा में है इधर लाके, क्योंकि गाय गाय को अलग कर लेंगे और भैंस भैंस को अलग कर लेंगे, क्योंकि ये संख्याएं हैं और ये अल्फ़ाबेट है, इसलिए अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर लेंगे, तो बी को ए के बटे में ले आएंगे, ठीक है, फिर 2/5 बचेगा उधर। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक्स बटे वाई का मान मतलब होता है एक्स अनुपात वाई, और 8/5 का मतलब होता है 8/5। वैसे ही ए बटे बी बराबर 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी
बराबर 2:5 हो जाएगा। अब ए अनुपात बी, मतलब ए का मान 2 हो गया, बी का मान 5 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ए के बराबर 2 है, बी के बराबर 5 है, ये अनुपात में है, ये बटे में है, काटी गई संख्या है। कंप्लीट मान ये नहीं है, लेकिन हाँ कि एक में जितनी भी संख्या होगी और बी में जितनी भी होगी, दोनों में कॉमन काटते काटते हम 2:5 में आकर पहुँचेंगे। अब इसमें बी का मान 5 दिया है और ए का मान 2 दिया है हमको, बी का मान 5 दिया है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अब वो तरीका आ रहा है अपना जो मैंने बताया था कि 80% प्रश्नों को सोल्व करता है, वो तरीका आ रहा है, ध्यान से देखना। बड़ा सिंपल है कि ए का मान 2 है, बी का मान 5 है, ठीक है। हमें पूछा क्या है कि बी का वेतन तो 2400 दिया है, तो ए का वेतन बताइए, जबकि बी का इधर मान क्या है 5 और वास्तविक मान क्या है 2400, मतलब 5 किसके बराबर हो गया 2400 के, 5 और 2400 बराबर है कि नहीं है, मतलब 5 का मान क्या हो गया, 5 का मान क्या हो गया 2400, और 5 का मान 2400 हो गया। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहूँ कि मैं 5 पेन लेके आता हूँ 20 रुपये के, मैं 5 पेन 20 रुपये के लेके आता हूँ, मुझे एक पेन कितने का पड़ा? आप तुरंत जवाब दोगे कि सर एक पेन आपको 4 रुपये का पड़ा, क्योंकि 5 पेन 20 रुपये के पड़ रहे हैं तो एक पेन 4 रुपये का पड़ा। या मैं कहूँ कि 2 पेन में 10 रुपये के लेके आए हूँ तो एक पेन मुझे कितने का पड़ा? आप तुरंत बता दोगे कि आप 5 रुपये का एक पेन लेके आए हो और 5 के भाव से पेन लेके आए हो। मुझे बताइए कि अगर मुझे 5 का एक पड़ा तो आपने निकाला कैसे? ये आंसर निकाल तो लिया, लेकिन निकाला कैसे? हम अगर कॉपी में पूछे आपसे, आपको लिखने के लिए कहें कि आपने निकाला कैसे, आपने निकाला कैसे? देखिए कि मैंने कहा कि 2 पेन में 10 रुपये के लेके आया हूँ, तो एक पेन बताइए, मतलब मैं 2 का भाग 5 में 10 में दिया हूँ, तभी तो 5 आए। वैसे ही इसमें क्या होगा कि अगर 5 का मान 2400 है तो एक का मान बताइए, एक का मान क्या होगा? वही होगा ना 2400/5 जिस तरह हमने पेन में किया था, ठीक है। अब अगर हम बोले कि 2 का मान, क्योंकि हमें पूछा क्या है, ए का वेतन, और ए का वेतन अनुपात में कितना है 2, तो 2 का मान अगर मैं पूछूं, अब देखिए अगर मैंने एक पेन, 2 पेन मैंने 10 रुपये के लिए थे, एक पेन मैंने 5 के लिए, अब मैं कहूँ कि 3 पेन मुझे कितने के पड़ेंगे, आप क्या करोगे? 5 को 3 से गुणा करोगे ना, 10/5 किया पहले आपने, फिर उसको 3 से गुणा किया, क्या निकल कर आया? 15, ठीक है। वैसे 10/2 किया था आपने, 5 नहीं सॉरी, तो 2 का मान गुणा करोगे 2400, एक के मान से गुणा करते हैं हमेशा, एक का मान ये आ गया, और इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आप काटना चाहो तो काट लो, 5 से इसको कितने बार काटोगे, 5 × 20, 5 × 48 गुणा में 2, ठीक है, 480 बार वो कट गया। 5 का पहाड़ा बोल के देख लो, या 5 का भाग इसमें दे के देख लो, भागफल 480 आएगा। अब इसको 2 से गुणा करोगे, 960, ये ए का वेतन है। ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ये तरीका ऐसा है जिससे आप अंक गणित के कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप प्रतिशत के प्रश्न सोल्व करोगे, लाभ हानि में ऐसे कई प्रश्न आएंगे, साधारण ब्याज में ऐसे कई प्रश्न आएंगे, अनुपात समानुपात में ऐसे कई प्रश्न आएंगे। अनुपात समानुपात में तो ऐसे ही प्रश्न हैं, क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर अनुपात आया है, तो अनुपात में अगर ऐसा हमने यूज़ किया है तो अनुपात समानुपात में तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही हैं। अगर आपको ये तरीका आता है तो अनुपात समानुपात ईजिली हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा मैं कहूँ औसत, औसत में ऐसा ही है, कई चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं कहूँ कि LCM SCF में ये चीज़ें हैं, औसत में ये चीज़ें हैं, साधारण ब्याज में ये है, लाभ हानि में है। तो अगर आपको इस तरीके का नॉलेज है, लाभ हानि में कोई नंबर नहीं कटेगा, साधारण ब्याज में कोई नंबर नहीं कटेगा, तो ये समझ में आया कि ए का वेतन 960 कैसे है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया वो, तो एक बार वीडियो को पीछे जाओ, वीडियो को दोबारा देखो, इसको रोक कर देखो, आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल लेवल का है, बिल्कुल सरल लेवल का है, हमने बिल्कुल सरल करके इसको समझा है और बिल्कुल अपने आप से जोड़कर समझा है। चलिए आज के प्रश्नों की सीरीज़ को हम यहीं रोकते हैं, बाकी अगले प्रश्नों की सीरीज़ को हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।